ओके, तो यार पेट्रोल तो हो गया फुल, और अभी तो यार माशाल्लाह से पेट्रोल की जो प्राइस है इस लॉस एंटोस में बिल्कुल एडजस्ट है। मतलब कि इतनी इतनी ज़्यादा प्राइस नहीं है। मैं आपको रेट बता देता हूँ अभी क्या चल रहा है यहाँ लॉस एंटोस में पेट्रोल की प्राइस का, $3 पर लीटर। और मैंने टैंकी फुल कराई है, तो यार इस गाड़ी की जो फ्यूल कैपेसिटी है वो 80 लीटर है। तो अगर मैं इसकी टैंकी फुल कराता हूँ तो मुझे पड़ गया टोटल $240 का, ठीक है ना। $240 में मेरी ये जो ये वाली गाड़ी है S650, इसकी टैंकी फुल हो जाती है। तो अभी जो रेट चल रहा है $3 पर लीटर लॉस सैंटोस में, वो बिल्कुल मुनासिब है। बस मैंने सोचा यार आपको थोड़ा बता दूं, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं तो उस हिसाब से क्या सूरत हाल आगे बनती है वो भी देखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ लॉस सैंटोस में जो लोगों का इंटरेस्ट है ना, वो इतना नहीं है कि भाई यहाँ पर पार्टी चेंज हो या हुकूमत चेंज हो, वो जी रहे हैं अपने मज़े से, मस्त माहौल उनका चल रहा है यार सिस्टम। तो लोगों का इंटरेस्ट लेकर आने में ना कुछ कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, मैं भी किधर जा रहा हूँ यार, मैं जा रहा हूँ यार मार्टिन के पास। उसने मुझे इन्वाइट किया था, कैंपेन उसने चलाई हुई है यार। बोल रहा था कि आ यार कुछ गेस्ट आए हुए, VIP गेस्ट आए हुए, तो उनसे मिलना है। अभी तो मैं उसके अपार्टमेंट में पहुँच चुका हूँ, लेकिन अब पता नहीं कहाँ पे उसने कैंपेन स्टार्ट कराई है, मुझे मालूम नहीं है। उसकी अपार्टमेंट तो खाली लग रहा है मुझे, यहाँ पे तो कोई गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड या कोई पब्लिक नज़र नहीं आ रही है। वैसे तो वो बोल रहा था कि यार हाई फाई गेस्ट आएंगे, मतलब कि सैंडी शोर के वज़ीर, इधर लॉस सैंटोस के भी कुछ वज़ीर आएंगे, अपना लिबर्टी सिटी के वज़ीर आएंगे, और भी काफ़ी गेस्ट होंगे। और वो सामने मुझे रौनक नज़र आ रही है, यहाँ पर गाड़ियों की पूरी कतार लगी हुई। आई थिंक यहाँ पर ही उसने अपनी कैंपेन स्टार्ट कराई है, पार्किंग एरिया की तरफ। तो हाँ, इसी तरफ ही लग रहा है मुझे। चलो इधर ही अपनी गाड़ी भी साइड पे पार्क कर देते हैं, सिक्योरिटी भी यहाँ बाहर ही सामने खड़ी हुई है, गाड़ी भी इधर ही पार्क कर देते हैं और चलते हैं। गाड़ी अब लग जाए यहाँ पर सही तरह से। ये इसका टायर जो है ना ऊपर जा नहीं रहा, तो यहाँ पर ही खड़ी कर देता हूँ गाड़ी। चलो इधर ही ठीक है। ओके, तो यार अब उसने इन्वाइट तो मुझे किया था कि यार आप अपना इंट्रोडक्शन करा सबके सामने, कि भाई तू भी इस बार इलेक्शन में खड़ा हो रहा है तो अपना तारुफ ज़रा करा दे, ताकि जो बड़े VIP लोग हैं ना उनको थोड़ा मालूम हो जाए ना कि यार एक आदमी और भी नया आ गया है अब इस लाइन में। तो अब देखो यार गाड़ियाँ यहाँ पर कैसी हैवी हैवी खड़ी हैं, मतलब कि टॉप VIP लोग आए हैं, ठीक है, उनके साथ अपनी पर्सनल सिक्योरिटी भी होती है, वज़ीर लोग हैं यार, आपको तो पता है। कुछ दुबई से भी अहम शख्सियात आई होंगी, और सैंडी शोर से भी आई होंगी अहम शख्सियात, नॉर्थ यंगटन से भी 2-3 वज़ीर आए हैं सुनने में आया था। जी सर, भाई मैं एज अ गेस्ट इनवाइट हुआ हूँ इधर, आप ऐसे आगे नहीं जा सकते। अबे ऐसे कैसे नहीं जा सकता, क्या कोई मैं पब्लिक में से थोड़ी ना हूँ। अपना डेविड, हो डेविड बात सुन यार, आदमी यार तेरा रोक रहा है इधर, इधर आ। आप ज़रा डेविड साहब से बात कर लेना। हाँ क्यों फिर जाऊँ? सॉरी सर। बेटा थोड़े दिन सब्र कर, तूने ही मेरे को सलूट मारना है, थोड़े दिन सब्र। क्या क्या बोल रहे हो यार, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, मार्टिन पूरा इंट्रोडक्शन दे रहा है तुम्हारा। मिस्टर डेविड यार आपकी इतनी मुझे खास समझ में नहीं आ रही, बस थोड़ा लेट हो गया हूँ। स्पीच आप लोगों ने जल्दी स्टार्ट करा दी, मुझे मालूम नहीं था यार अच्छे खासे गेस्ट आए होंगे। चलो चलो मार्कर यार, तुम्हारी बारी आगे। हाँ तो अब ये मार्टिन थोड़ा फ्री हो तो फिर इससे मैं बात करूँ। वाकई बस तुम्हारी बारी है, तुमने भी स्पीच करनी है। और वो अपना इंट्रोडक्शन आप सबको देंगे, किस वजह से सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप लोगों ने मार्टिन है, ओ मार्टिन वोटर में जिसका वोट रजिस्टर। हाँ माइकल यार, लेट आया यार तू, क्यों क्या हो गया, रोटी खुल गई है क्या? और यार रोटी छोड़ दो, तेरा इंट्रोडक्शन कराना है। अच्छा खैर, अभी तूने ना सारे गेस्ट आए हुए हैं, ठीक है, वजीर लोग हैं, बड़े बड़े वजीर लिबर्टी सिटी से भी आए हैं। हाँ लिबर्टी सिटी से भी, और अपना सैंडी शोर का भी फॉरेन मिनिस्टर बैठा हुआ है इधर, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर लॉस सैंटोस का भी बैठा हुआ है सामने तेरे। अपना इंट्रोडक्शन तूने कराना है, ठीक है, थोड़ा हाँ थोड़ा क्या अपनी तारीफ करनी है। अच्छा मैंने तेरी थोड़ी तारीफ की है, तूने भी अपनी थोड़ी तारीफ करके इनको बताना है। अच्छा वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन ये वजीर लोग, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रही कि उनका इधर क्या काम है। मैं सोचा यार पब्लिक की कैंपेन होगी, यार पीछे पब्लिक भी तो खड़ी हुई है ना, देख नहीं रहा? तो बस अपना इंट्रोडक्शन दे ना यार, चुटकी बजा ना यार माइकल। अच्छा अच्छा ठीक है, आगे से हट यार, फिर मैं बात करूँ, तकरीर करनी है। अच्छा, फिर मैंने यार कहीं जाना भी है मार्टिन। तो अस्सलाम वालेकुम यार, मेरा नाम है माइकल टांगली, और मैं यार गैलेक्सी शोरूम का ओनर हूँ। आप में से शायद कुछ लोग मुझे जानते हैं और शायद कुछ लोग ना जानते हैं,
लेकिन मैं जो अपने ये आपके फ्रंट पे जो बैठे हुए वीआईपी टॉप वीआईपी गेस्ट हैं, इनको पहली दफा देख रहा हूँ, बल्कि इनको पहली दफा मिल रहा हूँ इनसे, क्योंकि मेरा सियासत से कोई वास्ता पहले नहीं था। मैं सियासत ज्वाइन कर रहा हूँ सिर्फ लॉस सैंटोस के कुछ ऐसे हालात हैं उनको देखते हुए मुझे सियासत ज्वाइन करनी पड़ी है, और मैं ये समझता हूँ कि मेरे इलाके की लोकली का इंटरेस्ट है ना, वो मेरी तरफ है और वो मुझ पर भरोसा करते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं उनके भरोसे को कायम रखूँ, उनका भरोसा तोड़ू ना, और मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम उठा लूँ, सियासत ज्वाइन कर लूँ। तो इलेक्शन जैसे आप लोगों को पता है करीब आने वाले हैं, तो इंशाल्लाह इस बार मैं इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ, जैसा कि आपने बैनर्स में देखा होगा। तो मैंने खुद को यार मार्टिन की पार्टी में ऐड किया है, एलक्यू लॉस सैंटोस कॉमी मूवमेंट। पहले मैंने सोचा था कि यार मैं आजाद उम्मीदवार के तौर पर खड़ा होता हूँ, लेकिन नहीं, और मुझे इसका जो कॉन्सेप्ट मतलब जो आइडिया है वो काफी मतलब पॉजिटिव लगा, और लोगों के हक में जो इसने बात की थी वो मुझे बहुत पसंद आई, तो फिर मैंने सोचा कि मैं खुद को इसकी पार्टी में शामिल कर देता हूँ और इसी की तरफ से खड़ा हो जाता हूँ। तो पिछले 20 साल से मैं यहाँ लॉस सैंटोस में काम कर रहा हूँ, यानी कि बिजनेस कर रहा हूँ, और कई बार मैंने अपने शोरूम में मैंने कुरानदाजियां भी की हैं, और कई लोगों को मतलब कि फ्री में भी गाड़ियां तकसीम की हैं, और काफी लोग मुतमईन भी हुए हैं, और काफी अलहमदुलिल्लाह दुआएं भी मिलती रहती हैं। तो मेरे काम में लिखा भी हिस्ट्री है वो आप सर्च भी कर सकते हैं, वो सबके सामने है, मैं खेल किताब हूँ, कुछ भी ढका छुपा नहीं है, सब आपके सामने है। तो उम्मीद है कि आप लोग मुझ पर कुछ भरोसा करेंगे और मेरे काम को अप्रिशिएट करेंगे, तो मैं भी आपसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स की उम्मीद रखूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सो मच मार्टिन। बस यार मैं अभी निकलता हूँ, टाइम हो गया, इनसे मिल के जाता, पर्सनली मिलते, इनसे बात करते यार बैठक में। बे यार टाइम नहीं है ना, ये दिन मेरी थोड़ी अपनी भी पर्सनल मसरूफियात हैं, तो तू बाकी हैंडल कर ले, सही है ना, मैंने अपना तारुफ करा दिया, फिर जो सूरत हाल बनती है फिर मुझे बता दी, सही है। चल चल फिर तुम मेरी कॉल का इंतज़ार करी। किस लिए? इलेक्शंस के लिए, और क्या, इलेक्शन स्टार्ट होंगे तो बस तुझे हमारे साथ रहना पड़ेगा। ईद से पहले हैं ईद के बाद हैं? हम कोशिश कर रहे हैं कि ईद से पहले ही हो जाए, इलेक्शन कमीशन वालों से बात बात हम कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं मिस्टर डेविड, कुछ समझ में नहीं आ रही यार। अभी यार पता नहीं मुंह में पान लेके बैठा हुआ ये, इसको छोड़ दूँ, तू बस अपनी तौर पे रेडी रहें, सही है, और हमारी कॉल का इंतज़ार करें बस। अच्छा चलो ठीक है, मैं समझ गया, कोई मसले वाली बात नहीं है। अभी मुझे इजाज़त दे यार, यार अभी बस लंगर खोलने वाला था मैं, फुल देखे शेखे फुल मॉल बनाया हुआ था यार, और यार देखो शेखों का मुझे इतना शौक नहीं है, वो सब हमारे यहाँ भी इधर चलता रहता है यार, अपनी भी कैंपेन मैंने आगे करनी है। और ठीक है फिर मुझे इजाज़त दे मार्टिन, ठीक है मिस्टर डेविड, ठीक है मैं जा रहा हूँ, ओके। ओके तो यार बाबा जी मैंने तो अपना इंट्रोडक्शन करा दिया इनको जिनको कराना था मुझे, अब जो मार्टिन ने संभालना वो वीआईपी लोगों के साथ बैठ के संभाल लेगा, जो बात करनी हुई कर लेगा, बाद में मुझे फिर बता देगा। सीन आगे यार लॉस सैंटोस में जाके बहुत ही गर्म हो जाएगा, मतलब गहमा गहमी स्टार्ट हो जाएगी इलेक्शन के हवाले से, लेकिन ये जो ईद आ गई है ना, मतलब कि ये जो मंडी का सीज़न है यार, इसको भी थोड़ा कैरी करना है, ठीक है, यानी कि इलेक्शन में यार मंडी का सीज़न हमारे हाथ से निकल जाए वो एक इंपॉर्टेंट है, वो हम नहीं जाने देते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, जहाँ पर लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देखने को मिलता है यार, मतलब कि परचेजिंग में, ये गाय की, ऊँट की, बकरों की, बहुत ज़्यादा लोग यार इंटरेस्ट लेते हैं और परचेज़ करते हैं और कुर्बानी करते हैं यहाँ पर, तो यही वजह है यार, यही रीज़न है कि यार हम मंडी को जो है ना वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लोगों को अगर अपनी तरफ ज़्यादा माइल करना है तो फिर यार मंडी का सीज़न, मंडी जो है ना वो लगानी पड़ती है, और मंडी मैंने लगा ली है, मतलब अभी लगाई नहीं है, लगने वाली है, तैयारी फुल हो चुकी है यार। मैंने साकिब और जिमी को लास्ट एपिसोड में आपने देखा भी होगा, उन दोनों को मैंने बता दिया था कि वहाँ पर अपनी निगरानी में यार मंडी तैयार कराओ, और किस हिसाब से तैयार करानी है वो भी मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया था। तो साकिब और जिमी यार मंडी को देख लेंगे और अपने हिसाब से उसको ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे, बाकी मैं ओवरव्यू आपको दिखा दूंगा मंडी कैसे तैयार की है कैसे नहीं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि 2 दिन के अंदर अंदर वो तैयार कर देंगे। फिर जानवर भी लेकर आने हैं हमने, जानवर भी मैं सोच रहा हूँ यार के बल के हिसाब से ले आऊँ, और मतलब कि एक फुल जो ट्रक होता है वो भर के ले आऊँ जितने उसमें आगे, अभी फ़िलहाल सोच रहा हूँ बैल ही लेकर आता हूँ, ठीक है, मतलब वैडे ही हम बोलते हैं उनको, वैडे ले आते हैं अभी। और एक जगह एक लोकेशन है, मतलब गांव है, एक छोटा सा कस्बा है यार, वहाँ पर वो लोग मतलब कि खुद पालते हैं वो बैल, थोड़े महंगे वहाँ पर मुझे मिलेंगे, लेकिन एक चीज़ होगी कि बैल सही तगड़े होंगे और उनके घर के पले हुए बैल होंगे सारे के सारे वैडे, इसी वजह से वहाँ से मैं उठाऊंगा बैल, और यहाँ पर जब मैं आकर बेचूंगा ना वो बैल, तो यार लोग सैंडी शोर जाने ही छोड़ देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि यार लोग इसी यहीं लॉस सैंटोस से ही वो सारी परचेजिंग करेंगे, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर ना 70% आवाम लॉस सैंटोस की सैंडी शोर जाती है परचेजिंग करने के लिए, बकरों की, बैल की या ऊँट की, तो सारे वहीं से ले, बल्कि हम भी खुद ही यार लास्ट टाइम उधर से लेकर आए थे, आपको तो पता है, तो इस बार वहाँ जाने की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है यार, अपनी लॉस सैंटोस में मंडी लगानी है, और
वैसे पिछली बार यार लॉस एंटोस में भी मंडी लगी थी, लेकिन वहाँ पर भी जो बैल थे ना वो कुछ खास नहीं थे, लोग चूना लगा रहे थे, ज़्यादा कंप्लेनें आ गई थी कि बीमार हो रहे हैं ये वो। तो इस बार हमारी अपनी मंडी भी होगी और जानवर भी बड़े ख़ास चुन कर लाएंगे इंशाल्लाह, जो कि लोगों को बड़े पसंद आने वाले और मुनासिब रेट भी रखेंगे। हाँ तो यार बाबा जी गुड मॉर्निंग यार, हो गई है सुबह और निकलते हैं सीधा यार कहाँ पर, मंडी देखने के लिए। यार मंडी तैयार हो गई है यार, देखते हैं कहाँ तक काम पहुँच गया है। बल्कि बोल तो रहा था साकिब कि यार काम तकरीबन फिनिश ही हो गया, जाके अभी देखता हूँ, और जिमी भी शायद उधर पहुँचा हो सुबह सुबह लग रहा है। तो अभी बस निकलते हैं यार, चाय का मूड बन रहा है, बल्कि जिमी शायद घर पर ही हो, जिमी को साथ ही लेकर जाता हूँ, देखता हूँ कि क्या सीन है वहाँ का। ये किधर लेटी हो यहाँ पर मदहोश होके? बात सुनो माइकल। हाँ भोंको, मतलब बोलो। माइकल मेरी गाड़ी। माइकल क्या हो गया तुम्हारी गाड़ी को, चोरी तो नहीं होगी? चोरी? जरा यहाँ पे बैठना। बैठ जाता हूँ बैठ जाता हूँ। हाँ बोलो क्या बात है? मेरे पास गाड़ी है जो चोरी होगी माइकल। ओ हाँ अच्छा याद आ गया, तुम्हारे पास तो गाड़ी नहीं है यार। हाँ तो कब लेके देनी है? पिछली ईद पर तुमने वादा किया था, बकरा ईद आने वाली है। यार बस थोड़ी अपनी मसरूफियात है, क्या करूँ, तुम्हें तो पता है इलेक्शन में भी खड़ा होने वाला हूँ, मंडी का भी सीजन चल रहा है, जानवर भी लेकर आने हैं। यार तुम्हारे ये मसले और मसरूफियात कब खत्म होंगी माइकल? मेरे बारे में भी तो सोचो यार। पता है याद है मुझे, ठीक है इंशाल्लाह तुम्हारी गाड़ी का भी कुछ करते हैं। मुझे कुछ दिन का टाइम दो, दो तीन दिन का टाइम दो बस माइकल। दो दिन के अंदर। हाँ हाँ ठीक है इंशाल्लाह, तब तक तुम गाड़ी सोच लो कौन सी लेनी है, मुझे फिर बता देना ठीक है ना। अभी मैं जा रहा हूँ, तेरा जिमी से काम है। माइकल प्लीज कोई महंगी वाली गाड़ी लेके देना प्लीज। तभी कह रहा हूँ तुम नाम वगैरह सोच लो आराम से सुकून से, फिर मुझे बता देना जौन सी भी गाड़ी तुम्हें पसंद हुई, नेट पर भी बेशक सर्च कर लो, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, हो जाएगा। मैं पहले बता रही हूँ सस्ती गाड़ी इस बार नहीं लेनी। अच्छा ना यार ठीक है ना, अभी मैं जा रहा हूँ यार, मुझे काम है। और भी यार इसको भी गाड़ी लेकर देनी है यार, कब से मैंने इसके साथ प्रॉमिस किया तो अब अच्छा नहीं लगता ज़्यादा डिले करना, इसके लिए भी गाड़ी चूज़ करते हैं। और जिमी को देखो यहाँ पे क्या कर रहा है यार। ओए हो जिमी, वाह भाई यार तुझे तो मैं मतलब कि कोई 20 सालों में पहली बार देख रहा हूँ योगा करते हुए। पापा यार मेरी उम्र ही 19 साल है तो। हाँ वही मतलब कि यार पहली बार ही देख रहा हूँ मैं, क्या हो गया आज कैसे तेरी गैरत जा गई है? पापा यार कैसी बातें कर रहे हो, थोड़ा सोच रहा था यार, मौसम भी अच्छा था तो हल्का फुल्का योगा कर लूँ। नहीं नहीं अच्छी बात है यार, मैं तुझे मोटिवेट करना चाहता हूँ, तू डेली बल्कि किया कर आज क्या। हाँ कोशिश करूँगा कि डेली करूँ। डेली तो ठीक है तू करता रही, लेकिन अभी कितना बाकी है? और बस बस पापा हो गया। मुका दे यार मुका दे, फिर जाना भी है। हाँ चलो पापा डन। चल सही है, फिर नाश्ता वगैरह तो तेरा हो गया है ना? जी पापा नाश्ता वगैरह मैंने काट लिया है, आपने किया? हाँ छोड़ कर लूँगा यार, उधर ही जाके चाय पी लूँगा। मुझे पता मंडी का क्या सीन है, किधर पहुँची? हाँ पापा वही आपको दिखाना था ना, आप आई नहीं यार, कल वो मार्टिन के पास चला गया था, फिर उसी के साथ थोड़े काम थे मेरे, शाम को फिर मैं कहीं और चला गया था। तू बता कहाँ तक पहुँची है मंडी फिर? पापा ऑलमोस्ट रेडी है यार, आप एक दफ़ा जाकर देख लें, बड़ी पप्पू बना दी है उन्होंने, आप ज़रा एक बार बस देख लें तो फिर बता दें उनमें कोई चेंजिंग करनी है तो। चल अभी जाकर ज़रा देख लेता हूँ मैं। हाँ पापा और जानवर कब लाने हैं पापा? जानवर भी लेकर आने हैं, अब मंडी पहले मैं देख लेता हूँ ना, फिर उस हिसाब से निकलते हैं जानवर लेने के लिए भी। सोच रहा हूँ आज ही निकल जाते हैं, लेकिन आज मौसम कुछ खास लग नहीं रहा, बारिश हो सकती है, कल निकलेंगे। पापा आज ही चले जाते तो अच्छा था। अच्छा खैर वो तो सोचते हैं ना, अभी क्या सीन है ये, तेरी बाइक किधर खड़ी हुई है जिमी? बाइक मेरी गैराज पे है ना, क्यों? देख जरा अपनी बाइक एक सिंगल तूने गैराज में खड़ी की है, बाकी दोनों गाड़ियां बाहर हैं। पापा बाइक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। चल फिर आज तेरी बाइक पे बैठते हैं, चलते हैं देखते हैं कितनी इंपॉर्टेंट तेरी बाइक है, जरा मैं भी ड्राइव करूं, जब से मैंने तुझे लेकर दिया अभी तक चलाई नहीं है। हाँ पापा क्यों नहीं, आ जाओ आ जाओ। हाँ चल आप भी आज अपना शौक पूरा कर लो, लेकिन बस थोड़ा ध्यान से और केयरफुल से चलाना। हाँ अब तू मुझे बताएगा, मैं तुझे कह दूँ केयरफुल चला और तू मुझे बता रहा है? मैं जैसी मर्जी चलाऊं पापा, मेरी बाइक है ना, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से चलाना, मैं साकी भाई को भी मतलब कि ज़्यादा चलाने नहीं देता। वो तो ठीक है, ज़रा मैं भी तो ट्राई करूं। पापा एक मिनट, ज़रा कॉल आ रही है, थोड़ा वेट करो। तो उठा लेना कॉल। पापा वो अपना दोस्त की कॉल आ रही है तो आप रुको ना, मैं आता हूँ। इधर ही बात कर लेना। नहीं ना यार पापा, कुछ अपनी पर्सनल बातें हैं ना दोस्त के साथ, तो एक मिनट रुक जाओ ना, वेट करो मैं आ रहा हूँ। यार जिमी मुका यार लेट हो रहे हैं, जाना है यार, बारिश ना हो जाए। एक मिनट ना। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जिमी यरा किधर है यरा, तू आया नहीं है वापस? यार ट्रैवर भाई क्या नाम से मैंने रब्ता करना था ट्रैवर भाई, लेकिन अभी थोड़ा बिजी हो गया हूँ। वो यरा तू मेरे नाल वादा नहीं किया सी हुआ यरा कि तू आसे ईदियों बाद, ईद गुजरे भी यरा महीना हो गया, दो ईद आने लगी है यरा, मुका यरा कदों आसे?
यार ट्रैवल भाई, अभी बकरा ईद आ रही है, अपना मंडी सीजन ऑन चल रहा है यहाँ पे, पापा भी काफ़ी बिजी हैं और वो मुझे अभी भेज नहीं रहे हैं यार। तू यार माइकल ने कुछ दस्या नहीं मेरे बारे में? अरे कुछ नहीं बताया ना, डेविड अंकल भी इधर आ गए लॉस एंटोस, तो पापा नहीं भेज रहे अब। यार जिमी यार तू मेरे वादा किया सी यार। अच्छा अच्छा ट्रैवल भाई, मैं कुछ कोशिश करता हूँ ईद के बाद, मैं कोशिश करता हूँ आने की। यार ईदियों बाद? हाँ ना ट्रैवल भाई, अभी पापा जो खड़े हैं यहाँ को शक हो जाएगा, मसला बन जाएगा। ठीक है मैं कोशिश पूरी करूँगा आने की, आप फिक्र नहीं करो। यार मुझे लोअर सिंगटन भी जाना था ना, वहाँ जाके भी कितने राश थे वो देखने थे, क्या क्या वहाँ पे ट्रैवल भाई ने मुझे बताना है, और वो जो लाइट थी उस लाइट के पीछे भी देखना है आखिर क्या है, बहुत सी चीज़ें जाननी है अभी। क्यों जिमी होगी बात? हाँ पापा होगी। तो चाबी दे फिर मुझे निकले, वैसे था कौन? पापा वो नॉर्थ यंगटन से एक दोस्त मेरा बन गया था, बड़ा क्लोज दोस्त था, तो वही मुझे कह रहा था कि यार तुम वापस कब आओगे, मतलब उसका मेरे साथ दिल लग गया था। अच्छा खैर अब उसको तूने बोल दिया ना कि अब मैं वापस नहीं आने वाला, उसको इधर आना है तो ठीक है यार, अभी चाबी दे बैठूँ यार बाइक में निकलते हैं फिर। हाँ चलो बैठो। आजा बाबा यार आज तेरी बाइक ट्राई करते हैं यार, जब से लेकर दी है तुझे मैं बैठा ही नहीं हूँ यार, चला ही नहीं है, मौका ही नहीं मिला है। तो हेलमेट पहन ले यार जिमी। बस ठीक है यार पापा आपने पहन लिया ना, चलो आप पहन ले यार, फिर भी सेफ्टी के लिए कुछ भरोसा नहीं है यार। पापा आपने गिराना है क्या? मैं गिराऊंगा? वैसे मैं कह रहा हूँ यार सेफ्टी के लिए पहन ले बस। बस ठीक है ना जाने दो, मर्जी है फिर तेरी यार, मुझे ना बाद में बोली। क्या बोलूँगा जब आपने गिराना नहीं है तो फिर ऐसे ही। वैसे यार मौसम आज बड़ा चौकस हुआ है। हाँ पापा अच्छा बताओ ना यार क्या क्या लेकर आएंगे, कितने जानवर लेके आने हैं, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ पापा। और कहाँ से लाओगे आप? यार ले आएंगे एक जगह मुझे मालूम है, गांव है एक छोटा सा, वहाँ पर लोग खुद मतलब जानवर पाल के बड़ा करते हैं, और मतलब सही तगड़े जानवर हैं उधर, उनके पास सारे वैड़े ही होते हैं। वैड़े मतलब? वैड़े मतलब बैल यार, जाके देखते हैं यार कितने का वो हमें जानवर देते हैं, और हम वहाँ से उनसे कितने जानवर उठा सकते हैं, फिर उसके बाद ही डिसाइड करेंगे ना। हाँ पापा आज ही ले आना पापा। अबे यार ओ तेरी। पापा यार ठीक हो आप? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ जिमी, तू तो ठीक है ना? तुझे मैंने बोला था ना हेलमेट पहन ले, हेलमेट पहन ले। पापा यार क्या आपको चलाने नहीं आती बाइक? बाइक भी आपने सारी तोड़ दी होगी आगे से व्हील उसका। अबे कुछ नहीं हुआ यार, बाइक तेरी ठीक है सलामत है, वो बस अचानक गाड़ी आगे से उसने ब्रेक मार दी। तो तभी आप बोल रहे थे कि हेलमेट पहन ले, हेलमेट पहन ले, है ना? बच गया ना तू? मैं बच गया हूँ, अभी मैं चलाऊंगा बाइक, आपको नहीं चलाने आती। चलाने क्यों नहीं आती? मैं ही तो चला कर लाया था। बस छोड़ो ना पापा यार, आप बैठो बैठो। अच्छा तूने तो हेलमेट पहनना नहीं है, मैं पहन लेता हूँ यार, मुझे तेरे पे भी भरोसा नहीं है यार। पापा आप भी ना कसम से यार, ऐसी गाड़ी में ही आ जाते तो ज़्यादा अच्छा था। और गाड़ी में आता जाता रहे तो मौसम आज अच्छा था, तो सोचा यार हवा भी ठंडी चल रही है। देख अब तू वीलियाँ मार रहा है ना, वीलियाँ मार रहा तू, ये मारा तूने। और यार आप मेरे साथ बैठे हुए हो, आप टेंशन ना लो, बल्कि काम करो आप हेलमेट भी उतार दो। नहीं 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 भाई कोई भरोसा नहीं है, मैं तो सिर्फ मौसम को देख के थोड़ा बाइक मैंने निकाल ली थी, वरना मैं गाड़ी में ही आना था। अब देख तू यहाँ पर किधर ले आया है यार, लोगों के दरमियान से तू बाइक लेके जा रहा है, किसी को ठोकना है तूने? अगर किसी को लग गई ना तो इलेक्शन के दिन आ रहे हैं, किसी ने पहचान लिया तो ऐसी मेरी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। देख अरे यार पापा, पापा क्या हो गया यार पापा आपको, ठीक हो आप? जिमी यार शुक्र है मैंने हेलमेट पहना हुआ था। क्या यार तू मुझे तू बोल रहे अपना, तुझे पता नहीं है वीलियाँ तो क्यों मारता है? अच्छा अच्छा यार रोड पे रोड से लेके चला जाता हूँ, क्यों घबरा रहे हो आप? अब बाइक पे बैठ गए हो तो हौसला भी रखो ना यार। तू ऐसे बाइक चलाता यार मैं तुझे कभी ना लेकर देता कसम से। अब देख उल्टा जा रहा है यार, गाड़ियाँ उधर से आ रही तो उधर से आगे से किसी टक्कर मार दी ना, हमारा इधर ही अंतिम संस्कार हो जाना है यार। यार क्या बोल रहे पापा, कुछ भी नहीं होगा ना। और लेकर तू किधर जा रहा है? पीछे मंडी लगी हुई है, इतना आगे ले आया है तू? पापा पेट्रोल डलवाना है, जैसे पेट्रोल डलवा के चलते हैं ना, सबर कर जो ना, बार बार पेट्रोल नहीं डलवाने होता मुझे। ओ यार मुझे तो आज लग रहा है कि मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी, तुझे ये बाइक गिफ्ट करके, मैं सोचा तेरा फेवरेट बाइक है, तू बड़ा इसको ख्याल रखेगा, बड़ा आराम से चलाएगा। तो पापा आप ही ने बाइक गिराई है ना, किसने गिराई थी पहले? ओ मैंने तो चलो ठीक है वो तो गलती से हो गया, लेकिन तूने तो जान बूझ के टकरे मार रहा है, वीलियाँ मार रहा है। अच्छा खैर यार अभी वो सब छोड़ो ना, मंडी देखना, मंडी कैसी सजी है। वही तो देखना यार कैसा सेटअप लगवाया तुम लोगों ने, कैसा काम कराया है। देखो पापा यहाँ पे देखो, बड़ा जबरदस्त बना दिया हम लोगों ने। देखता हूँ रिव्यू तो करना पड़ेगा, मंडी तो यहाँ से बड़ी चौकस लग रही है यार। हाँ तो हेलमेट उतार के देख लो ना। हाँ हाँ तू आगे बाइक जरा खड़ा तो कर लेना, इधर ही रोक दे बस, रोक दे। आ जाओ पापा। ओके तो मंडी लग गई है भाई।
अच्छा तो मंडी देखते हैं। हाँ भाई साकिब, मैं कर देता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है, आराम से पियो, आराम से पियो। ओ मक भाई आ गए हो यार, शुक्र है, आपके का इंतजार कर रहा था। चेक करो मंडी, देख लेते हैं देख लेते हैं, मंडी तो रौनक लग रही है मुझे यहाँ पर काफ़ी, मतलब ऑर्गेनाइज अच्छा किया हुआ है पता चल रहा है। तो यहाँ पर तुम लोगों ने ये शेल्टर्स लगा दिए हैं। वही वो शेड आपने बोला था ना कि थोड़ा जगह ज़्यादा होनी चाहिए। हाँ ठीक है, इतनी ज़्यादा बड़ी जगह नहीं है लेकिन चलो काम चल जाएगा, इतना भी इनफ है यार, जितने जानवर लाने हैं उस हिसाब से तो मुझे ठीक ही लग रहा है। और यहाँ पर तुम लोगों ने ये दो हट बना दिए, सही हो गया। और माओ भी और पीछे देखो, पीछे बड़े हाट बनाए हैं बैलों के लिए और अपना ऊँटों के लिए, सही हो गया यार पता चल रहा है। और इसके अलावा एक इधर तो बना दिए तुम लोगों ने, और मैं ज़रा यहाँ से देखूँ, मतलब पीछे उसने कवर कर दिया जगह है ना। माओ भी कर नहीं दी, करवाई है मैंने। हाँ सही है यार, मैं बस वही कह रहा था कि जानवरों की सेफ्टी के लिए ना कवर होनी चाहिए। उसकी तो आप टेंशन नहीं लो, प्रॉपर सेफ्टी होगी माओ भाई, इधर ही तो हमने रहना है अब। हाँ वो बात तो तेरी ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर ये तुमने बड़ा बना दिया, ठीक किया। मैं यही चाहता था कि यहाँ पे जगह थोड़ी खुली हो और ताकि जानवर जो है ना अच्छे खासे यहाँ पर आ जाएं। पापा ये आइडिया मैंने ही दिया था। वो तूने कहाँ दिया था, मैं ही तुम दोनों को समझा के गया था कि जगह थोड़ी बड़ी रखना और खुली रखना अंदर से। हाँ पापा और बाकी सामान भी देखो, सारा ले आया है ना। अच्छा बाकी सामान मतलब खाने छाने का और पानी छानी का भी इंतज़ाम हो गया जी। मको भी पानी की टंकियाँ भी जो हैं उधर पीछे रखी हुई हैं और अपना कैन शैन भी फुल फुल इंतज़ाम है मको भी। हाँ वो तो नज़र आ रहा है। और ये छोटे हट बने हुए हैं ये किस लिए, मतलब माको भाई वही अपना बकरे शकरे दुम्बे शुम्बे उनके लिए छोटे छोटे शेल्टर बनाए हुए हैं ना। ठीक है ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और जो मैंने तुझे बोला था बैक साइड पे जगह छोड़ने की, यहाँ पे क्या सीन है। अच्छा हाँ यहाँ पे यार मैंने तुझे यार साकी बोला था ना कि यार पार्किंग की जगह रख लेंगे। हाँ माको भाई इसीलिए ये जगह छोड़ी हुई है पार्किंग के लिए। तो पार्किंग के लिए फ्रंट वाली जगह भी काफ़ी इनफ है यार। यहाँ पे काम करना है, यहाँ पे थोड़ी रौनक को बढ़ाने के लिए ना इधर थोड़ा ना रेस्टोरेंट टाइप मतलब ढाबे शाबे बनवा लेते हैं, क्या कहते हैं। माको भाई बर्गर शर्गर तिक्के शिक्के चाय पानी वही कह रहे हो। हाँ वो सीन यहाँ पे ऑन कराते हैं, कुर्सियाँ टेबल रख कर चाय पानी शरबत वगैरह, मतलब जो आएंगे तो थोड़ा यहाँ पर बैठेंगे भी। तो वो तुझे पता है यार ये अपना फार्मूला पहले से ही कामयाब चल रहा है। ओहो पता पता, वही शोरूम वाला सिस्टम हो। हाँ ये इस फार्मूले से यार गेस्ट काफ़ी आते हैं और बिजनेस में थोड़ा मतलब कि 20% इजाफा हो जाता है। मैं समझ गया माको भाई, एक काम करेंगे अपना जो PDM के बारे में स्टॉल बर्गरों के और तिक्के शिक्के के स्टॉल उनको इधर बुला लेते हैं। हाँ ये सही है, उनको फ़िलहाल मंडी तक ना मतलब जब तक ईद है तब तक उनको बोलो यहाँ पर अपना काम स्टार्ट कर दो, ईद के बाद फिर वापस बेशक वहाँ पर चले जाएँ PDM। पापा शोरूम बंद कर देना है। शोरूम को भी फ़िलहाल बंद ही रहने दो यार, एक ही तरफ फोकस कर सकते हैं, दो तरफ फोकस नहीं कर सकते, नहीं तो ना तो इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। अभी मैं क्या सोच रहा हूँ यार साकिब जी, माको भी मैं ये सोच रहा हूँ यार जानवर लेकर आने हैं कल, ठीक है तो मंडी तो अभी तैयार हो चुकी है और पेमेंट इनकी हो गई है। माको भी थोड़ी पेमेंट बाकी है इनकी। कितने बाकी हैं। माको भी कह रहा था कि यार 2.5 लाख और देने हैं। 2.5 लाख हमने कौन सा सीमेंट के तैयार कराए हैं। और माको भी उनकी मजदूरी भी बीच हुई है ना, और भी मटेरियल काफ़ी आ गया, खाने का सामान थोड़ा आया। अच्छा चल ठीक है 2.5 लाख मैं दे दूंगा, अभी एक दो काम और भी तो कराने हैं ना। कौन सा माको भी। यार ये आप आगे से जगह पूरी ओपन है, गेट लगवाने हैं। हाँ वही मैं पूछने वाला था आपसे। हाँ वो लगवाने हैं। और ये सामने क्या रखा हुआ है इधर, सैंपल किस चीज़ का है। माको भाई ऐसे ही मंडी की शोश आया, बस थोड़ा डेकोरेशन टाइप पीस है ही समझ लें। अच्छा अच्छा ठीक है, इसको भी इधर ही पड़ा रहने दो। तो सीन ये है कि यार साकिब यहाँ पे फ्रंट पे गेट लगवाना है, ठीक है, और मतलब कि एंट्री के लिए, और साइड पे भी गेट लगवाना है और इसको जगह को फ्रंट से कवर करना है ताकि हर कोई यारा गहरा अंदर ही ना घुसा हो, ठीक है ना। और एक एक दो सिक्योरिटी गार्ड भी यहाँ पर होने चाहिए, प्लस गैलेक्सी का लोगो वो मस्ट है, ठीक है ना, गैलेक्सी का लोगो टॉप पर वो कंपलसरी है। और जो गैलेक्सी मंडी, हाँ गैलेक्सी मंडी यार साकिब। पापा मंडी का शोरूम। हाँ वही बात होगी ना, मंडी का शोरूम। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर तो लोगो लगवा ली, ठीक है ना, गैलेक्सी का, और गेट शेड भी लगवा ली, और जानवर के लिए कल निकलते हैं। अभी तो मतलब बारिश का मुझे लग रहा है कि बारिश ना हो जाए तो कल निकलते हैं मंडी के लिए, सही है, रेडी रहना। किधर जा रहे हो। अपना यार विलेज है उधर सैंडी शोर से, पहले ही आता है, सैंडी शोर में नहीं है, थोड़ा दूर कर गया है, अपना क्या नाम है, माउंट चिलियट की तरफ, वहाँ पर सारे देसी पले हुए जानवर हैं, उधर जाके उनसे डील शील करते हैं, जितने पसंद आते हैं जानवर, बल्कि जितने उनके पास हुए उठा कर ले आएंगे, यहाँ पर लोगों को बड़े पसंद आने वाले हैं, गारंटी है। माको भी जिधर पहले गए थे मंडी उधर नहीं जाएंगे सैंडी शोर। यार हम एक जानवर बीमार नहीं हो गया था उसका, कितना वो उसने झूठ बोला था कि मैं इसको बादाम पिस्ते पता नहीं क्या क्या दूध शूध पिलाता हूँ, हल्का सा यार मौसम ख़राब हुआ, जानवर बीमार होकर बैठ गया, ऊपर से जिमी ने जो बेवकूफ़ी की थी उसको दूध पिला के रात को ठंडा। पापा वो जानवर में फाल था यार। बेटा तेरा ही कसूर था, सब मुझे मालूम है, खैर वो सब छोड़, अभी ये सब फजूल की बेवकूफ़ियाँ मुझे नहीं करनी है, और जानवर लेकर आने हैं सही देसी पले हुए घर के, ठीक है ना, ताकि यहाँ लॉस एंड डोज में लोगों का भरोसा हम पर और मजबूत हो जाए, ठीक है। बताओ और क्यों माको भी कल कितने निकलना है फिर।
कल यार फिर ट्रक का बंदोबस्त करो, बल्कि ये जो खड़ा है ना ट्राला, इसी को ही पकड़ते हैं। ये है किसका वैसे? मौका भी इन्हीं का, ये सामान वगैरह लेके आते हैं। बस इन्हीं से ही ले ले तू, इनको क्या कल अपना ये जो गेट शेट बाकी रह गया ये तैयार करो, ट्राला हम लेकर जाएंगे, बल्कि इनको वापस ही नहीं करेंगे, इनसे ख़रीद लेते हैं। चलो फिर मैं इनसे बात करूँगा, अगर वहाँ में दे देते हैं तो ज़्यादा अच्छा। हाँ इनसे ख़रीद लेते हैं और कल फिर अपना सीन ऑन करते हैं। और भाई हाँ, तो भाई आप मुझे बता रहे हो कि ये टोटल जानवर 15 हैं। हाँ तो इनको भाई देखो, हम बड़े दूर से आए हैं लॉस सैंटोस में, मतलब कि जो रॉकफोर्ट हिल है ना, मेन एरिया, वहाँ से आए हैं। वाह। हाँ तो भाई कोई आपके पास नहीं आया होगा कभी, मैं ही आया हूँ पहली दफ़ा मुझे लग रहा है, और मैं चाहता हूँ कि आपके जितने भी यहाँ पर पले हुए जानवर सारे मैं लेकर जाऊँ, ठीक है? वाह। हाँ तो हो सकता है कि अगर आपके पास और जानवर हो तो मैं और भी बाद में लेने आ जाऊँ, लेकिन अभी फ़िलहाल ये 15 मैं उठा लेता हूँ। एक जानवर का क्या रेट बताया यार तुमने? 7.5 लाख। क्या 7.5 लाख? क्या कह रहा है जिमी ये? पापा 7.5 लाख बोल रहा है। अच्छा 7.5 लाख, यार ज़्यादा लगा रहे हो। देखो 15 उठा रहा हूँ। देखो फैसला जानवर नहीं है सफिया, पारा सारा पारा सब में पारा जाना सही है, बिल्कुल सगड़ा और धोंदे हैं सारे सारे। क्या सगड़े हैं और धोंदे हैं सारे सारे? मको भाई क्या रहा, धोंदे हैं सारे तगड़े हैं, मतलब बीमार नहीं है इसमें से कोई, है ना? देख लो। अच्छा 7.5 छोड़ो, 7 लाख का एक जानवर दो और टोटल मुझे रेट बता दो कितना बनता है। साकिब ज़रा हिसाब लगाई ज़रा कितना बनता है। एक मकबी 7 लाख अगर एक हो तो 15 हो गए, 1.5 करोड़। 1.5 करोड़। तो एक काम करो, 5 लाख ऊपर का छोड़ो यार, 1 करोड़ हमारे से लो और ये 15 के 15 जानवर हमारे हवाले कर दो। हैं ठीक है? चलो सही यार। जिमी तू ज़रा जानवर ज़रा देख पूरे हैं कि नहीं, एक दफ़ा काउंट कर ले, और 5-5 होने चाहिए सारे, ठीक है ना? 5 व्हाइट 5 ब्लैक 5 ब्राउन, ज़रा चेक कर। हाँ एक मिनट पापा देख लेता हूँ। अच्छा तो कितने हैं टोटल, काउंट करता हूँ। 1 2 3 4 और ये 5, ये 6 7 और 8 की टक्कर ही ना मार दे, डर भी लग रहा है, पता नहीं कैसे होंगे। 8 ही होंगे उधर, 9। अच्छा तो इस तरफ और 2 इधर पीछे खड़े हुए हैं, यहाँ पर 10 11, टोटल 11, जिसमें से यहाँ पे वाइट कितने हैं? वाइट 5 वाइट और ब्लैक कितने? 4 और ब्राउन कितने? 4, टोटल 13 हो गए ना? हाँ 13 हैं टोटल जानवर। देखो वैसे यार इसको देखे ना, मुझे वो मेरी पुराने वाली गाय नहीं थी यार, वो जिसका नाम है नीलम रखा हुआ था, जो बीमार हो गई थी, उसकी याद आ जाती थी। वैसे तो उससे शक्ल इसकी मिलती नहीं है, काश वो गाय मुझे इस बार वापस मिल जाए। पापा हाँ पूरे हैं? नहीं पापा 2 कम है, एक ब्राउन वाला और एक ब्लैक वाला कम है। मतलब 13 है टोटल जी पापा। ज़रा आगे पीछे नज़र मार जिमी, क्या पता उधर पीछे कहीं चला गया हो जानवर। पापा और किधर जा सकते हैं, इधर ही तो खड़े हुए थे सारे। जा ना जा के ज़रा एक दफ़ा देख ले पीछे से भी। एक मिनट पापा देख लेता हूँ भी, यहाँ पे किधर जा सकते हैं, उधर आगे कहीं तो नहीं चले गए यार? अगर ये भागने वाले जानवर है ना, तो फिर उधर हमारे उधर मंडी से भी कहीं भागना चाहिए, मसला ना बन जाए ना। वैसे यार दुआ करो पापा और भी लेके आएँ, ऊँट भी लेके आएँ और बकरे भी लेके आएँ, और हम उनमें से ना एक बकरा, एक बैल, एक ऊँट करेंगे, बल्कि 2 बैल करेंगे। वो सामने मुझे कोई नजर, हाँ तो इधर ये खड़ी हुई है, एक गाय हमारी यहाँ पर खड़ी हुई है। चलो ब्राउन वाली तो मुझे मिल गई है, आ जाए टक्कर ही ना मार दे, इधर इधर आ जा, इधर आ जा यार, यहाँ से इसका पाँव फिसल के टांग ना टूट जाए ना, इधर ऊपर आ, ऊपर आ, इधर 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 आ जा इधर। हाँ समझदार है यार माशाल्लाह। अब दूसरी एक और काली वाली किधर खड़ी हुई है यार, वो कहाँ पे गाई, वो सामने तो नहीं खड़ी हुई? हाँ वही है ना, हाँ ये देखो यहाँ पे आई हुई है, घास खा रही है। आ जा यार, टक्कर नहीं मारती हैं यार। मैं अब मेरा मुझे इनसे डर नहीं लगता। देखो अगर आप इनको तंग करोगे, ज़्यादा तंग करोगे तो जारी बात है वो भी टांग तो मारेंगी ना, टक्कर भी मारेंगी, तो ज़्यादा इनको तंग नहीं करना चाहिए, तो ना ही जोर जोर के इनको हाथ मारने चाहिए, तो वो फिर पता है क्या गुस्सा करती हैं ये गाय। तो बस अभी ये सीधा इनको यार मंडी यहाँ से लेके जाते हैं ना, वहाँ जाके मैं यार इनको खाना छाना खिलाऊँगा, इनके पास बैठूँगा,
और इनकी इनकी देखभाल करूँगा। तो अभी हमारे पास 15 जानवर पूरे हो गए हैं। हाँ मिल गई जी पापा, अभी पूरी 15 हो गई हैं, ये आ गई हैं इधर ही। हाँ ठीक है यार, 15 पूरे हो गए हैं। ठीक है यार, फिर 1 करोड़ में 15 जानवरों का यार साकिब वहाँ पे पूरे बिल में लिख कर इनको भी दे दे और अपना हिसाब भी पूरा कर दे यहाँ पर। तो पैसों की आप टेंशन ना लो, अभी हाथों हाथ देंगे यार, पैसे साथ ही लेकर आए हुए हैं। तो यार अभी इस ट्रक में ये जानवर आ जाएंगे नहीं आएंगे, मुझे ये फिक्र लगी हुई है। मेरा ख्याल है यार आएंगे तो नहीं यार यहाँ पर सारे के सारे जानवर, मतलब 2 चक्कर तो लगाने पड़ेंगे। मैं नहीं चाहता कि यार 2 चक्कर लगें। तो यहाँ पर अगर 4 आगे खड़े करें और 4 इधर पीछे खड़े करें, अबे यार ये तो यहाँ से स्लोप ही गिर गई है, ऊपर कैसे लेकर आएंगे, स्लोप दोबारा लगानी पड़ेगी। एक मिनट साकिब मौको भाई यार स्लोप वगैरह लगा और कोशिश कर जानवर सारे इधर आ जाएं। ओ मौको भाई सारे किधर आएंगे, इतनी तो जगह नहीं है ना, 15 के 15 जानवर इसमें आ जाएं, 2 चक्कर तो लगानी पड़ेंगे यार। 2 चक्कर यहाँ पे आते हुए हमें 4 घंटे लग गए हैं, फिर 4 घंटे और लगाएंगे, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। कोई जुगाड़ देख यार, कोई जुगाड़ देख, कोशिश कर यार इनको तुन्तुना के अंदर डाल दे बस। जुगाड़ तो यहाँ पर एक ही नज़र आ रहा है मुझे, वो ये है कि भाई वेल्डिंग वेल्डिंग करा के ना थोड़ा छत ऊपर डाल के ऊपर भी जानवर चढ़ाने पड़ेंगे। बंदा यहाँ पर कोई देखता हूँ, देख ले कोई जुगाड़ लगा यार, सबर करते हैं कुछ करते हैं। हाँ तो बाबू जी ज़रा सही से वेल्डिंग करना कि रास्ते में खुल ना जाए बस, सही तरह अच्छी वेल्डिंग कर दो। और सारे के सारे जो गाय हैं ना वो भी ऊपर मैंने सारी तुन दी हैं भाई, अब ये है कि भाई वो भी बड़े मज़े से सुकून से सफ़र करेंगी सारी की सारी आपस में, और हम भी बेफिक्र होकर अभी जा सकते हैं। तो क्यों आपको भाई काम यस हुआ कि नहीं हुआ? फिर मैं कहता हूँ यार तूने तो अंत कर दिया है, सारे के सारे जानवर आ गए, ऊपर वाले ऊपर चले गए, नीचे वाले नीचे खड़े करा दिए, देख ले गिर ना जाए यार, कुछ भी नहीं होता वहाँ का भाई। पापा मुझे डर लग रहा है यार, जानवर कहीं गिर गया तो मसला बन जाएगा। ओ यार इसी वजह से इसको बोला है वेल्डिंग ज़रा स्ट्रॉन्ग कर दे और फटे छटे साइडों पे लगा दिए, कोई ऐसे वैसी बात नहीं है, आराम से सुकून से फुल मोल मीटर चोल करके जाएंगे वहाँ भाई। चल फिर, चलो यार ठीक है, फिर पेमेंट भी तुम्हारी हो गई है और अभी हम निकलते हैं। कोई अगर मसला बना जानवरों के साथ तो मैं कॉन्टैक्ट करूँगा, सीधा पहुँच जाऊँगा। बाद में भखम भखम हो गए आप। हाँ देख ले भाई, आने वाले वक्त में लॉस एंडोस का मैंने MPA बनने वाला हूँ, पावर होगी मेरे पास, अगर तूने गड़बड़ की 2 नंबरी की तो बेटा तू जेल में है। कैसे ड्रामा सर, ड्रामा सर। अच्छा तो अपना साकिब यार कैसे जाएंगे, एक काम करते हैं जी मौको भाई, इधर आ। मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी एक आदमी ना पीछे खड़ा हो जाए। पीछे कौन बैठेगा मौको भाई, जिमी को खड़ा कर दें। पापा मैं तो पीछे नहीं होने वाला, मैं आगे बैठूँगा। पीछे यार एक आदमी होना चाहिए ना। माँ को भी मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं होता, जानवर बड़ी टाइट करके ऊपर चढ़ा दिए हैं और सेफ्टी है फुल, आराम से तीनों आके बैठ के जाते हैं। यार डर लग रहा है यार, जानवर पता नहीं कहीं रास्ते में कहीं उतर ही ना जाए कोई जानवर, रोड भी पता तो है तुझे 7 लाख का जानवर है। वही ना पापा यार। हाँ तो जिमी तू ही चला जाना। नहीं नहीं पापा कुछ नहीं होता यार, तीनों आगे बैठ जाते हैं, आप बस आराम आराम से लेके जाना। चलो फिर ठीक है यार, तुम्हारी मर्ज़ी है यार, अब क्या कह सकता हूँ कि अल्लाह के भरोसे ले जाते हैं जानवरों को और बैठते हैं फिर सीधा गाड़ी में आ जाओ। चलो चलो मौको भाई, चलाओ जिमी। मौको भाई ऐसा ज़बरदस्त किस्म का मैंने इंतज़ाम करके दिया, ट्रक को मैंने पूरा ट्राला बना दिया। आ जिमी आ जा, बैठ जा तेरी। एक मिनट। हाँ तो फिर स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाह करो मौको भाई, बिस्मिल्लाह करो। चलो यार बस खैरियत से पहुँच जाए हम लॉस एंटोस, सफ़र भी लंबा है, बिस्मिल्लाह करते हैं। जाने दो, बाकी अल्लाह वारिस है। हाँ बस सफ़र खैरियत से गुजर जाए यार, यही है बस फिक्र। आराम आराम से पोला पोला लेके जाओगे, कुछ भी नहीं होगा, आराम आराम से। क्या मैं तो कहता हूँ बल्कि भगा के भी लेके जाओगे ना ट्रक, उनको कुछ नहीं होने वाला। पापा उधर ऊपर हवा चल रही होगी, बीमार तो ना हो जाएंगे वो? और नहीं यार, लोग कहाँ कहाँ से लेकर आ रहे होते हैं जानवर यार, कितने कितने दूर से लेके आते हैं, पहाड़ों से लेकर आ रहे होते हैं, तगड़े और सही देसी पले हुए जानवर बीमार नहीं होते यार मौसमों से। पापा वैसे हम कौन सा जानवर करेंगे इस दफ़ा कुर्बानी के लिए? हम भी ले लेंगे यार, इसी में से ही तुझे जो पसंद आया तो ले लेंगे। पापा वो जो लास्ट टाइम वो नहीं की थी अपनी जो नीलम। कौन सी नीलम? अरे यार वो। हाँ ना पापा। मौ भाई थोड़ा थोड़ा ध्यान से चला लो, पीछे जानवरों का भी थोड़ा ख्याल रखो। तू ही तो बोल रहा था कि जानवर बड़े मैंने टाइट करके बांधे हुए, उनको कुछ भी नहीं होता। वो तो इस वजह से ना कि आप ध्यान से चलाओगे, ध्यान से चलाओगे तो कुछ नहीं होगा ना।
ध्यान से ही चला रहा हूँ ना, और क्या, मैं उड़ा रहा हूँ गाड़ी को ना, तो ध्यान से ही तो चला रहा हूँ। पापा प्लीज़ वही नीलम की तरह भी जानवर लेके आना, एक बैल। अच्छा ना, ये तो बिक जाए ना पहले, ये बिकेंगे तो फिर और आएंगे। यार पापा पीछे टाइम ही कितना है यार, ये बिकते बिकते मैं कहती हूँ वो भी साथ ही ले आओ। यार पहले देखें तो सही कितने गाहक आते हैं, इन पर हमें कितना प्रॉफिट होता है। पापा आप फ्री में ही दोगे? तेरा दिमाग खराब है, 65 लाख रुपया मैंने मेहरान पे लगाया है और 1 करोड़ का ये मैं बैल लाया हूँ, ये भी मैं फ्री में दे दूँ? दूंगा लेकिन सस्ते में दूंगा, तभी तो मैं देसी जानवर लेके आया हूँ, ताकि लोगों को जानवर पसंद भी आए और सस्ता भी पड़े। पापा वो बकरे और ऊंट आपने बोला था, दुम्बे भी? हाँ ना, पहले मैं देख रहा हूँ ना कि इसका क्या रिस्पॉन्स है यार, इन पर क्या रिस्पॉन्स आता है, कितने गाहक आते हैं। यार साकिब भाई आगे पुल आ रहा है यार, गुजर जाएगा ट्रक, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, कुछ भी नहीं होता, ले जाओ आराम से। चलो यार शुक्र है, मुझे तो डर लग रहा था कि ऊपर छत के साथ ही ना टकरा जाए इनके सर जानवरों के। चलो यार पेट्रोल तो ये ट्रक को मैंने साइड पे लगा के भरवा ली है, क्योंकि अब ये जो ऊपर जानवर बांध के रखे हुए हैं ना, ये छत के साथ लग ना जाए, इस वजह से। ध्यान से ले जाओ मको भी, यहाँ से थोड़ा ध्यान से, नहीं लगेगा नहीं लगेगा, टेंशन मत ले, साइड से निकाल के ले जाता हूँ। ओके तो यार अभी हम पहुँच चुके हैं, तो वो उसने गेट वगैरह लगा दिया था और लोगो वगैरह, मको भाई गेट भी लगा दिए थे और गैलेक्सी का लोगो भी चिपका दिया था। चल फिर सही है यार, और पैसे तूने उसको दे दिए थे? हाँ मको भाई पैसे भी उसके जितने बनते थे दे दिए थे, काम उसका पूरा करके उसको भेज दिया। चलो यार ये अच्छा हो गया, अभी बस ये जानवर भी हम ले आए हैं, जानवरों को आज हम रख देते हैं, कल से फिर हम जो है ना सेटिंग करते हैं। ओ यार पापा नींद आ रही है, बहुत लॉन्ग ड्राइव थी, चला के मैं लाता रहूँ सारे रास्ते, या पता नहीं ऊपर जानवर ही ना सोए पड़े हों, मैंने देखा भी नहीं है उतर के उनको। नहीं नहीं पूरे ही होंगे पूरे ही होंगे, अभी इधर ही आप लगा दो, एक मिनट इसको मैं उल्टा करके लगा देता हूँ, क्या कहते हैं यहाँ पर ही लगा दूँ ना? हाँ इधर ही घुमा कर लगा दें, आराम से उतारने में आसानी होगी, उतारने बस थोड़े ध्यान से हैं और तरीके से हैं। जी जी बस इधर ही ठीक है मको भाई, हाँ चल इधर ठीक है यार, यहाँ पर ही रोक देते हैं थोड़ा सा और आगे करके ना, ताकि ना जानवर अगर एकदम से उतरे ना तो जाके सीधा टक्कर ना मार दे कहीं दरवाजे पे। इधर ठीक है बस, चलो भैया आ जाओ यार जिमी। ओके तो यार साकिब जानवर तो पहुँच आए हैं, मुझे लग रहा है खैर वाफियत से सारे जानवर आ चुके हैं, एक मिनट मैं ज़रा ऊपर जाकर एक बार देख लेता हूँ कि जानवर पूरा है कि नहीं। देख लो देख लो, सबर कर, हाँ जानवर पूरे हैं यार, ठीक है सही सलामत अल्हम्दुलिल्लाह, जानवर बाबा जी सही सलामत पहुँच गए हैं। बस इन्हीं की मुझे फ़िक्र लगी हुई थी यार कि इनमें से कोई जानवर गिर ना जाए, या फिर कोई नींद के मारे उधर ही ना लेट जाए, रोड पे ना जाके टपके सीधा, तो बस शुक्र है कि जानवर सारे मेरे पहुँच गए हैं। क्यों माको भाई? अल्हम्दुलिल्लाह यार साकिब जानवर सारे पहुँच गए हैं, और जिमी क्या उधर सो गया है? जी जी पापा। हाँ चलो आ जाओ फिर तुम दोनों मिल के ना, जानवर सारे जो है ना अनलोड करो सारे बैल, ठीक है ना, चोट नहीं लगनी चाहिए। एक मिनट ज़रा मैं ज़रा अंदर से मंडी देख लेता हूँ, गेट शेड भी ज़रा चेक कर लूँ, गेट तो चलो ठीक है तूने अच्छा लगा दिया, लोगों भी ऊपर गैलेक्सी का ज़बरदस्त, ये काम यस हो गया, यही चीज़ मैं चाहता था, ऑसम हो गया। और अंदर से हाँ ठीक है यार, यहाँ पर ना अपना बैल वगैरह यहाँ पर ही हम रख देंगे सुबह, लेकिन अभी हम बैल कहाँ पर रखते हैं? मको भाई वो जो उधर कोने पे खड़े कर देते हैं ना मको भाई, उधर सेफ़ रहेंगे। हाँ इधर ही ना, इधर सारे के सारे बैल ले आते हैं और यहाँ पर इनको भी फ़िलहाल के लिए खड़ा कर देते हैं, फिर सुबह इनका इंतज़ाम करते हैं कहाँ कहाँ रखने हैं बैल और किस तरह से इनकी ख़रीदो फरोख्त स्टार्ट करनी है। तुम दोनों एक काम करो, तुम दोनों यहाँ पर ही रुकोगे इनके साथ सारी रात। हाँ पापा मैं भी ये कहने वाला था, मैं और शाकिब भी रुक जाते हैं। मको भाई आप नहीं रुकोगे? नहीं नहीं मैं पीछे घर जाऊँगा यार, मुझे और भी थोड़े काम देखने पड़ेंगे, तुम दोनों इधर ही रुको ना, जानवरों का ख्याल भी रखो और खाने पीने का भी इनका थोड़ा, जानवरों को भी देखो और इनके खाने पीने का भी थोड़ा ख्याल रखो, सही होगा मको भाई? और अभी आ जाओ आराम से सुकून से सारे एक एक करके जानवर अनलोड करते हैं, फिर थक गए हैं यार रेस्ट करते हैं उसके बाद। ये मको भाई ओके तो यार ज़बरदस्त, देखो भूखे हुए हैं यार, इनको चलो चारा खाने दो, सही हो गया इनको चारा, इनका यार मतलब अच्छे से चारा बनाना है, ठीक है ना साकिब और जिमी, कोई उल्टी पुल्टी चीज़ इनको नहीं खिलानी है, खाने का इनका ख़ास ख्याल रखना है जब तक ये बिक नहीं जाते हैं, तो जो भी आएगा ना ख़रीदार
उसको सही करके बताना है कि भाई इनकी परवरिश कैसे हुई हुई और कहाँ से हम ये लाए हैं, हर चीज़ सही तरह से बतानी है, कोई झूठ मूठ नहीं बोलना। और मौकूबी रेट का क्या सीन है, रेट का कल फिक्स करते हैं, एक जानवर कितने का बेचना है कल से, बल्कि जब तक मैं ना बोलूँ ना, जब तक मैं ना हूँ मंडी में कोई जानवर बेचना नहीं है, ठीक है जिमी और साकिब जी? पापा हाँ, कल मैं आऊँगा सुबह मंडी, उसके बाद इनको हमने बेचना स्टार्ट करना है, ठीक है ना? सही हो गया मौकूबी, तो चलो ठीक है फिर, तुम दोनों इधर ही रहो और मैं अभी चलता हूँ सीधा घर। और साकिब यार जिमी थोड़ा मतलब सटका हुआ इंसान है, मतलब कि उल्टी पुल्टी चीज़ खिला देता है और अच्छे से मतलब ध्यान भी नहीं रखता, तो थोड़ा देख लें वो, मुझे पता है इसका, मैं तो कहता हूँ इसको साथ ही ले जाओ। यार क्या बकवास कर रहे हो साकिब भाई, मैं इधर ही रहूँगा ना। अच्छा चल ठीक है, ठीक है इधर ही रहे। और ये है कि क्या सोओगे कहाँ तुम दोनों? मौको भी गदा शदा बेड शेड लाना पड़ेगा, बिस्तर वगैरह। चल देख ले बिस्तर वगैरह ले आ, बेड शेड लगा लो, रात को थक गए होगे तो सो जाना और सुबह जल्दी उठ जाना और जानवरों को भी देख लेना, ठीक है? मैं भी जा रहा हूँ। ओके माँ को भाई आप जाओ, टेक केयर, गुड नाइट पापा। ओके यार गुड नाइट। हाँ तो यार मुझे ये बताओ कि मंडी कैसी बनी है, कैसी तैयार हुई है आपने, बल्कि रेट लगाना है इस मंडी का 10 मुझे बताओ कमेंट्स में कि इस मंडी को आप कितना स्कोर दोगे और किस हिसाब से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया, क्या इसमें और चेंजिंग कर सकता हूँ मैं कि नहीं कर सकता, बता देना ज़रूर। और ये जो जगह मैंने बनाई है ना, ये जगह मैंने थोड़ा कस्टमर के लिए यार खाने पीने के लिए अलग से स्टैंड लगवा लिए हैं, तो यहाँ पर वो आके मतलब चाय पानी कर लिया करेंगे और उनसे डील भी अच्छी हो जाया करेगी इंशाल्लाह। यार ये कि मैंने मुनाफे का नहीं सोच रहा इस मंडी पे, मतलब कि जानवरों पे मुझे इतना मुनाफा नहीं कमाना, थोड़ा बहुत हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि यार जो मैं जानवर बेचूँ वो लेने वाले को पसंद आए और वो सेटिस्फाइड होकर यहाँ से जाए, मुतमईन होकर जाए, खुश होकर जाए और बाद में दुआएँ भी दे और साथ साथ दुआओं के साथ वोट भी दे। तो इसी नियत से मैंने मंडी लगाई है इस बार, ख़र्चा अच्छा खासा कर रहा हूँ, बहुत बहुत दबा के ख़र्चा कर रहा हूँ, आपके सामने ही है सब। 1 करोड़ के अभी जानवर लाए हैं, अभी तो और भी लाने हैं, ऊँट लाने हैं, बकरे लाने हैं, बड़े जानवर अभी और भी लाने हैं बैक टू बैक। तो ये जानवर इंशाल्लाह कल से इनको मैं फ़रोख्त करता हूँ और साथ में 1-2 ट्रक भी रखते हैं जो हम अपने कस्टमर को सहूलत देंगे कि उनका जो जानवर है उनके घर तक हम पहुँचा सकें विदाउट फीस, बग़ैर किसी पैसों के उनका जानवर उनको डिलीवर भी करेंगे इंशाल्लाह। तो होपफुली आपको मंडी पसंद आई होगी, मंडी का आपने स्कोर लाजमी बताना है 10 कितना स्कोर आप इस मंडी को दोगे। और गैलेक्सी मंडी इसका नाम रखा हुआ है, यही समझ लो मंडी शोरूम है यार अपना। बाकी वही है यार, रिपीट करूँगा यार, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब कर दो, जो अभी तक इंस्टाग्राम पर नहीं आए हैं वो इंस्टाग्राम पर आके मुझे फॉलो मार दो। प्लस अगर वीडियो पसंद आ रही है, मतलब मंडी की आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को भी लाइक ठोक दो, कमेंट में लाजमी बता देना कि वीडियो कैसी बन रही है। और एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, जो गेम ऑफ पावर वाली सीरीज़ है वो भी यही है, मतलब इसी के अंदर भी मंडी सीरीज़ चल रही है, मंडी सीरीज़ नहीं अलग से मैंने बनाई, बस ये गेम ऑफ पावर के एपिसोड्स ही चल रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि साथ साथ इलेक्शन कैंपेन भी ऑन है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।